राजरत्न अंबेडकर जी वेलकम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के श्री गुरु रविदास घर जिहड़ा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के स्थित है उत्थे असीं उन्हां नूं जनैन आखदे हां ते बड़े गौरवमयी हां असीं जी सर जी तुहाडा साथ ते पा के सो दो शब्द जी तुसीं संगत नूं कुछ कहना चाहुंदे हां जो बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज की है। आज यहाँ पर मैं मेलबर्न में हूँ ऑस्ट्रेलिया में रविदास महाराज जी की 643rd जयंती महोत्सव जिसको हम लोग गुरुपुरब के नाम से जानते हैं वो मनाने के लिए मैं यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ यहाँ पर आया हूँ और अभी ये नगर कीर्तन को शुरुआत हुई है और एक बहुत गुरु रविदास जी के वाणियों का प्रचार और प्रसार करते हुए ये नगर कीर्तन शुरू है और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य नगर कीर्तन में शामिल हूँ, रविदास जी के जयंती में शामिल हूँ। मैं सभी मेरे भाइयों को कहना चाहूँगा कि दो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने किया था, गुरु नानक जी ने हो, गुरु रविदास जी ने हो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन लोगों का ही आंदोलन इस देश के भारत के देश के संविधान में अंकित कर दिया है। जैसे गुरु रविदास जी का कहना है, वाणी है उनकी, कि ऐसा चाहूँ राज में कि जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बैठे, रहे गुरु रविदास प्रसन्न। बाबा साहब अंबेडकर जी ने गुरु रविदास जी की इस बातों को इस देश के भारत के देश के संविधान में अंकित कर दिया है। आर्टिकल 14 अगर आप पढ़ते हो तो बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में सभी लोग समान होंगे, कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, अस्पृश्यता होगी जो होगा वो सारा बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में ही एबॉलिश कर दिया, डिमोलिश कर दिया और बाबा साहब ने वही राज कायम किया जो राज गुरु नानक जी ने, गुरु रविदास जी ने कहा था, अपनी वाणी में कहा था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो आज बाबा साहब ने दिया हुआ जो भारत का संविधान है ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यह हमारे गुरुओं का जो आदेश है वो आदेश को बाबा साहब ने भारत के संविधान में अंकित कर दिया है और इसलिए आज मैं उस बेगमपुरा जो कल्चर गुरु रविदास जी ने बताया था, गुरु नानक जी ने बताया था, उसको भारत में कैसे एस्टाब्लिश किया जाए, एक ऐसा राज जहाँ पर कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, किसी के जीवन में कोई गम नहीं होगा, ऐसा एक राज जो बुद्धा ने बताया था, जो गुरु नानक जी ने बताया, जो गुरु रविदास जी ने बताया, वो किस तरह से भारत में हम लोग लागू कर सकते हैं, इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ इस यहाँ पर गुरुपुरब में शामिल हुआ हूँ और कल हमारी मीटिंग है, परसों मीटिंग है, अब हफ्ते दो हफ्ते भर मैं यहाँ पर हूँ और भारत की जो व्यवस्था है उसमें हमारे महापुरुषों के विचारों को कैसे एस्टाब्लिश कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग विचार मंथन करेंगे। आज मैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को, माताओं को गुरुपुरब के मेरी ओर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से मैं लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। जय भीम, जय
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।